मेरे भाइयों, ये देखो नाश्ता आ चुका है, अंडे हैं और साथ में ये भजन टिक्कियां हैं, अंडे वाली ये भी। तो नाश्ते में इंशाल्लाह ताला बड़ा मजेदार होने वाला, मुझे उम्मीद है इस नाश्ते से कि बड़ा मजेदार होगा, क्योंकि टिक्कियां बनाई मेरी बेगम साहबा ने, अंडा बनाया मेरी छोटी बहन ने, रोटियां बनाई है मेरी माँ ने। कैसा है माँ बहन और अपना बेगम, तीनों ने मिलकर तीनों के अलग अलग हाथों के मजे। पानी ये चल, कजन ने दिए नाश्ता। हाँ, पानी मेरी कजन ले आई है, चेक करना मतलब मेरे। और टेबल मेरे सामने मीर भाई ने रखा है। वाह वाह मीर भाई, वाह। चाय तकीर भाई लेंगे, उम्मीद रखें तकीर भाई से, क्योंकि तकीर भाई चाय पी नहीं रहे आजकल, देख रहे हैं, क्योंकि उस बेचारे को जॉन्डस हुआ है तो पी तो रहा नहीं। कल का ब्लॉग आप लोग देखा होगा, रात का सिर्फ डिनर का सीन था, क्योंकि पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं कर सका, चचा लोग आगे मूवी भाजी बिलावल की शादी की चलती रही, तो वही बस पंगा चलता रहा। छोटी सिस्टर मीर भाई को क्या दे रही है? अमीर क्या खा लगे हो? यूज्ड टिक्की। वाओ, अमीर भाई को यूज्ड टिक्की मिल गया। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भजन सच्ची सच्ची बताएं, क्यों मेरे से दुपट्टा पकड़ा आपने, खुद क्यों करना शुरू कर दी? बचपन से शौक था मुझे, बड़े होकर बेगम के साथ उसका दुपट्टा खुश करवाऊंगा। आपको इसका मतलब है बचपन से शादी का शौक था? हाँ जी, शौक भी था, शौक उतर भी गया और शौक लग भी गया। शौक SHOCK वाला ना? SHOCK AD वाला भी लगाया ना? शौक शॉकिंग पिंक तो बात ही ना कर। तो तेरी अपनी शादी लेट होगी, जिन्हें तू जुगता मेरी बीवी को कह रहा है ना, तेरी अपनी शादी कसम, और इसकी किसी एक जुगत की समझ नहीं आती। यस, भला क्यों हमने दूसरी लेके आनी है ना, ऐसे ग्रासे जिसको समझ आती है, हमने दूसरी लेके मेरे अपने भजन। मैं क्या कह रहा हूं, हमने दूसरी लेके आनी है ना, इसीलिए ताकि मेरी बातें समझ आ सके उसको। मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले आपको दिखाऊंगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद घर आके आपको बताऊंगा स्टोरी काफी तफसीली स्टोरी है, इसलिए ना गुंजलों वाली स्टोरी है, बेगम की आगे से ऐसे रिश्तेदारी बना के पूरी आपको समझानी पड़ेगी। यानी बेगम के काम ही जा रहे हैं? नहीं, काम तो मेरा अपना ही है, सबका मारा है, लेकिन तवस्सत बेगम है, बेगम इज सेंटर ऑफ सौर कॉल। मैं तो दूसरी लाने वाले का सोच रहा था कि जिनको मेरी बात समझ आती हो। नहीं, वो मेरी बात समझ आती हो ना जिनको, मैं उनकी बात करूं। वाह, तुमने उसको कौन सा लालच दिया मेरी दूसरी कैंसिल कराने के लिए? तेरी पहली सारा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह जहां पहुंचना था, अब वेट हो रहा है जिनको मिलने के लिए आए यहां पे, तो बस वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं कि हम लोग आखिर क्यों आए हैं। फैमिली को लेके, इन लोगों को, बच्चों को लेके तो मैं इधर आया हूं। अब केक्सन बेक्स में बिस्मिल्लाह, किसी का बच्चा गिर गया ना? गिरी यार, तेरी मेहरबानी, उठ जा शहजादा। ओ जी मजे, हमारी आपकी जान ने स्पेशली ऑर्डर करवाया। तो जी चेक करें और अब खाते हैं और खाकर आपको बताते हैं कैसा है। पानी भाई आप खाएंगे मेरे साथ? क्यों? लाहौल वाला कुछ बता, अल्लाह बिला रहे हैं, खाते हैं फिर देखते हैं। मजेदार। भाई तो अल्लाह का नेक बंदा, मुझे पानी पिला दो, ठंडा पानी पिला दो, गर्मी से बुरा हाल हुआ है, सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे है। तो हम लोग फाइनली अपना बॉक्स घर पे ले आए हैं। माँ जी अभी नहीं खोलिएगा, ऐसे नहीं खोलना माँ जी, आपको ये हाथ पे चक्की पटीच सकती है, तो फिर आपका हाथ जख्मी खतीच सकता है। कोलावेरी डी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? मुझे नहीं काटेगी। चलो फिर पकड़ लो तुम, डर के आप जब भी डर के पकड़ेंगे जानो। ले जी तकीर भाई, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको पकड़ने की। चले तकीर भाई, चलो तकीर भाई आप इसको पकड़ रहे हैं। खुलना कहाँ से है? इसको बस ऊपर उठा ले गत्ते को, अंदर से ऊपर उठाना है गत्ते को, वो देख नीचे उसका, पहले रस्सी पकड़ ले, लीश उसकी पकड़ ली, रुख इसका आपकी तरफ ही है, लीश पकड़ लेना पहले, कहीं ऐसा ना हो गया ये तुम पे अटैक, भाग के अटैक करे। चलो आराम से पकड़ो, आराम से पकड़ो, प्यार करो इसको, उतार दे गट्ठे देखा, उतार तो ये जल्दी कर ले यार, आराम से उठा ले, तो इरिटेट कर रहा है। बस 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 बस
तकीर इसके आराम से आगे लीश पकड़ लो। लीश मतलब ये रस्सी पकड़ लो इसकी अंध वो देगा। ये बहादुर जफर बस बस आराम से आराम से प्यार करो। अमीर ऊपर सर पे प्यार करो। इधर अमीर वापस ले गया। अमीर पे चले इसकी रस्सी लेके मैं कुर्बानी का करूंगा। नहीं वो कोई हाल नहीं है तुम्हारा अमीर। पकड़ो आराम से चलो चलो इसको दे। काका साहब देख कितना खुश है। गोट गोट नहीं है ये। गोट नहीं है कैट है। क्या है ये काका साहब? ये क्या काका साहब? ये क्या भूख लगी है? ये क्या उसको भूख लगी? काका साहब ये क्या है? कैट। ओए कैट अब शुक्र अल्लाह का मेरा बेटा सही हो गया वरना गोट कह रहा था। चल तकीर जरा प्यार करी। मुझे नहीं काटेगी मैं पकड़ूंगा। अमीर प्यार करी जरा। नहीं मैं प्यार वाला सीन नहीं मेरी नजरों में। आ किसका पजामा थे ऊपर? आ फौजी बैठ गया। ये काफी देर डब्बे में रही है। ये पीछे का ये डब्बा चेक करें जी। हमारी नई कैट आ गई और इसका नाम है जॉन। स्टेसी। स्टेसी नाम है इसका। स्टेसी स्टेसी स्टेसी। आराम से प्यार कर तकीर। तकीर प्यार कर। शुक्र नहीं होता यार प्यार करना। बहादुर शाह जबर बाल है नहीं है। चल प्यार कर आराम से प्यार कर। आराम से प्यार कर ऊपर हाथ फेर ना प्यार से प्यार ऐसे राम राम से ऐसे। ले जी बेगम साहिबा सक्सेसफुली। अच्छा, और तकीर भाई सक्सेसफुली प्यार करने में कामयाब हो गए। नहीं वो मैं अब क्या दिखाऊं छोड़ो परे। माशाल्लाह हमारी स्टेसी आ गई। 1 hour later स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी टाइम। तो भाई स्टोरी में यूं कुछ ट्विस्ट आया कि बेसिकली मेरी बेगम साहब है जानो उनकी एक आदत है फुफो जान। वैसे तो फुफियाँ उनकी माशाल्लाह 5 लेकिन एक उनकी फुफो जान जो सबसे बड़ी है ना उनकी जो पोती है ना उसका नाम हम रखते हैं आत्मा। नहीं नहीं उसका नाम हम रखते हैं चंगेज़ खान फीडर वाली। जो चंगेज़ खान फीडर वाली है ना उसकी एक सहेली है यानी कि फुफो की पोती उसका नाम है चंगेज़ खान फीडर वाली। उसकी आगे से एक सहेली है उसके पास बिल्लियाँ मतलब काफ़ी फैमिली उसके पास बिल्लियों की नायाब नस्लें हैं। तो उसने एक गिफ्ट बिल्ली की चंगेज़ खान फीडर वाली को। वो बिल्ली अब आ गई चंगेज़ खान के पास फीडर वाली। तो वो बिल्ली उसने अपनी आगे से फुफो को गिफ्ट कर दी। क्या बात है क्या बात है कैसी कहानी जी वो गरीब है डब खड़बी सी कहानी है। फुफो की पोती पोती की सहेली सहेली ने गिफ्ट की इसको इसने आगे से गिफ्ट किया अपनी फुफो को। तो जो फुफो का लैंडलॉर्ड है ना वो बिल्ली से आ गया तंग। उसने कहा जी भाईजान या तो इस घर में मैं रहूंगा या बिल्ली। तो फिर अल्टीमेटली रहना तो उसने था क्योंकि रजिस्ट्री उसके नाम पे थी। तो फिर बिल्ली को उनको निकालना पड़ा। जब उन्होंने बिल्ली को निकाला तो उनको अल्टीमेटली मेरा गरीब खाना नजर आया। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि बिल्ली का बच्चा मुझे देना। उन्होंने पूरी बिल्ली मुझे पकड़ा दी। उन्होंने कहा कि बिल्ली अब आप संभाले। तो ये बिल्ली साहब आ गई हमारे घर में। मुझे बताया कहानी पसंद आई आपको बिल्ली की? बिल्ली की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो भाई साहब कुछ यूं है सीन के मैंने कबूतर सुबह जो थे वो ओपन कर दिए थे। वो बड़े केज में ओपन किए हैं मास्टर केज में। तो खीर भाई जी उनको मास्टर केज से उनके वापस छोटे केज में बंद करा है कबूतर को? अभी तक किया ही नहीं। चले चले भाई चले जी उनको पहले उनके स्मॉल केज में कन्वर्ट करके आते हैं इससे पहले कि बेचारे पता नहीं वो मास्टर केज में क्या उथल पुथल की होगी। खाना भी डाला चाबी मेरे पास मैं सो गया था। यार ये तो अंधेरा फुल टाइम हुआ है। लाइट टोटल ऑफ है। दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ। ओ यार वो देखें कहाँ बैठा हुआ कबूतर मारा। फिर उन्होंने क्या गंद डाला हुआ सब ने। ये देखें वो अपने अपने पिंजरों में चले गए। पिंजरों के बाहर बैठे हुए थे। ये बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। तो यार यार ये इनके फैन क्यों बंद है? ऑन करो सप्लाई उनसे। जल्द से सप्लाई ऑन करो यार। आप लोग गर्मी में बैठे हुए थे। सो सॉरी यार इनको अब कल से ओपन नहीं करना। क्लोज ही रहना तो इनको। चलो अंदर करो इनको। पता नहीं सारा थक के बैठा हुआ है किस तरह बैठा हुआ है। ध्यान से आराम से
तकीर भाई कबूतर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तकीर भाई कामयाब हो गए माशाल्लाह। नहीं जाना, चलो बंद करो दाना शाना। पानी चेक करो कितना पानी, तो बिल्कुल फारिग हो गया। फुल है, फुल है पानी उसमें, उसमें भी फुल, बड़ा फुल है। ये दाना जमीन पे रखे चूचों में, चूचों का पानी चेक यार, पानी से चेंज कर तकीर, गंदा हुआ बड़ा पानी सारा, पानी चेंज करते हैं। मैंने इनको सुबह आज ना खुला छोड़ गया था, तो मुझे जेल में था, चाबी मेरी जेब में थी और मैं चला गया उधर पहले तो बिजली वाले मामले में, उसके बाद वहाँ से आया तो आकर तो फिर अपना लगे रहे हम लोग उस टाइम, तो हमने दाना डाला था, दाना तो हमने रात दिन पर डाला था। उसके बाद आपके भाई के लग गई, हाँ भाई सो गया आपका भाई उठा, तो तकीर साहब ने बताया कि चाबी नहीं मिली, तो चाबी मेरी जेब में थी, अब आकर तो हमने उनको दाना शाना डाला है और अब अपना वही मेरे हाथ पर कीड़ा उड़ गया। हम इनको दाना शाना डालने लगे और पानी शानी का चेंज करते हैं ताकि बेचारे ये भी फ्रेश हो। पंखा शलादों ने खुद ही तार उतार दी थी, उड़ते या जारी बात है उड़ रहे थे, सप्लाई की तार नहीं हुआ, जारी बात है शुक्र अल्लाह का बचत होगी, लेकिन सप्लाई की तार उन्होंने खुद ही तार दी थी शलादों ने, हमारा खासा हाथी की तार लगी थी ना, हाँ उनके मुँह में तो फिर नुकसान हो, बड़ा नुकसान हो गया, अल्लाह रहम करे। तकीर भाई ये आप पकड़े मुझे पानी में डालने का खिदमत का मौका मुझे देते हैं, आप क्या कहते हैं? जी भाई ये पकड़े जरा, फोटोग्राफी के रूल्स आपको मेरे याद है ना जी? फोटोग्राफी के रूल्स याद है ना कि कहाँ तक आपने वीडियोग्राफी करनी है? जी मैं ब्लॉग कहीं पर खत्म करता हूँ इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप लोग इतने खरीद से गुजरा मेरे से बहुत अच्छा गुजर पिछले जिंदगी का लाजम मुलाकात होगी किसी जगह पर किसी मुकाम पर किसी काम पर, तब तक आप अपना और अपने को बहुत सारे उम्मीद होंगे याद रखें, तो अगर मेरे से लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ और रात बखैर।